नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आपको ये जानने भी मिलेगा कि जो कीट हमारे फसल में लगते हैं उसको बायोलॉजिकल तरीके से, मतलब जैविक तरीके से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। महत्वपूर्ण इस वीडियो को ज़्यादातर किसान भाइयों को शेयर करिए ताकि वो भी समझ सकें और जान सकें और इस चीज़ को अपने फील्ड में अप्लाई करें कि बायोलॉजिकल तरीके से अपने फील्ड में इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयालक्ष्मी गांगुली PI हूँ यहाँ एक्रेबॉन बायो कंट्रोल के। तो इस स्टॉल में हम लोग जैविक कीट नियंत्रण के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं और यहाँ लाइव उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्राइकोकार्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि ट्राइकोकार्ड जो है वो अंड परजीवी है और ये तना छेदक जो धान का बहुत ही प्रमुख कीट है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, उसके लिए ये अंड परजीवी के रूप में बहुत ही कारगर है और ये भारत में ही नहीं विश्व भर में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया वाला बायो कंट्रोल एजेंट है। तो ये ट्राइकोकार्ड जो एक कार्ड हम इस तरह से देते हैं, एक एक कार्ड में 10,000 अंडे परजीवीकृत हैं और इसको हम उल्टा करके लगाते हैं पत्ती के साथ, और अगर बरसात के दिनों में एक कार्ड को ऐसे रोल करके और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर स्टेपल करके उसको हम बांस के खूंटे में इस तरह से लगा के प्रयोग में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि बरसात आने के बाद भी हमारा जो कार्ड है वो सुरक्षित रहेगा और ट्राइकोग्रामा जो कीट है, जो अंड परजीवी है, वो इसमें से निकलकर स्वतः अंडे को खोजेंगे पूरे खेत में और वहाँ पे उन अंडों को परजीवीकृत कर देंगे। तो ये बहुत ही उपयोगी एक है जो धान हमारे फसल का सबसे प्रमुख जो नुकसान करने वाला कीट है तनाछेदक पीला, उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। फिर इल्ली अवस्था में हमारे पास कई सारे और परजीवी और परभक्षी कीट हैं, उसमें ये जो है इसको हम लोग ब्रेकोकार्ड कहते हैं और ये ब्रेकोकार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो परजीवी है वो ब्रेकॉन नाम का परजीवी है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में ये ब्रेकॉन नाम का जो परजीवी कीट है उससे ये उत्पन्न किया जाता है, ये उसका ककून है। तो ये जो शंखी है ये हम कार्ड के रूप में इसको खेत में लगा सकते हैं। एक एकड़ में हमको 5 कार्ड लगाने होते हैं और कैसे लगाते हैं वो इस तरह पत्ते के निचली तरफ ककून को नीचे की तरफ रखकर पिन से या स्टेपल करके लगाया जाता है। तो एक एकड़ में हम 5 कार्ड लगाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो इल्ली है, जो नुकसान करने वाली इल्लियाँ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनका नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ही कारगर है। प्रयोगशाला में इसको इल्लियों के ऊपर ही इसको बढ़ाया जाता है जिसका हम मास मल्टीप्लिकेशन या संवर्धन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इल्लियाँ हैं जो मर गई हैं और उनको खाने के बाद ये शंखी अवस्था में आ गई है। अब इसी शंखी से आगे ये जो ब्रेकोकार्ड है वो तैयार किया जाता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर और सफल बायो कंट्रोल एजेंट है, या कहना चाहिए जैविक नियंत्रक कारक है, जो इल्लियों के लिए बहुत ही कारगर है। इसके बाद हमारे पास एक ये लेडी बर्ड बीटल कहते हैं, ये माहों और मैनी के लिए बहुत ही कारगर है। ये देखिए, ये लाल रंग का ये सुंदर सा कीट होता है और ये जहाँ भी माहों और मैनी है, जैसे सरसों के खेत में और सेमी में, बरबट्टी में, सब्जियों में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो उनके नियंत्रण के लिए हमारे पास ये लेडी बर्ड बीटल, अगर हम उसको वहाँ पे छोड़ दें तो ये माहों और मैनी को स्वतः खा खा के उसकी संख्या में कमी लाते हैं और अपने आप बिना किसी रासायनिक दवा के छिड़काव के हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद एक और इल्ली परभक्षी जो है ये हमारे पास है रेडविड बग। तो ये रेडविड बग होता है, ये लाल और काले रंग का बग है और ये इनको खाने के लिए देखिए इसको इल्लियाँ ही दी जाए गई हैं, है ना। तो ये इल्लियों को ही खाते हैं और कोई भी हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि ये मांसाहारी हैं, शाकाहारी नहीं है। तो इनको भी अगर हम कुछ संख्या में थोड़ा थोड़ा अपने बाड़ी में छोड़ दें तो जितने भी इल्ली हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हम नियंत्रण उससे पा सकते हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ज़ाइगोग्रामा बीटल, जो पार्थिनियम गाजर घास के जैविक नियंत्रण के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो ये बीटल भी हमारे प्रयोगशाला में उपलब्ध है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंडे भी हैं और ये पूरे पत्तियों को खा के एकदम सुखा दिया है। अब ये जब इसको यहाँ पत्तियाँ खाने को नहीं मिलेगी तो वो अगले पौधे में चला जाएगा और इस तरह से पत्तियों को खा खा के गाजर घास का नियंत्रण कर देता है।
तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास ये जो जैविक नियंत्रण कारक हैं, इनका अगर प्रयोग अगर हम करें समय से, तो हम कम से कम रासायनिक दवा या रासायनिक दवा के बगैर बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद का कर उत्पाद हम पा सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए एकदम सहयोगी है, और उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता, ना ही कोई स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ कुछ यंत्र भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये फेरोमोन ट्रैप है। ज़्यादातर किसान भाई शायद इसके बारे में जानते होंगे कि ये फेरोमोन ट्रैप क्या होता है। ये अलग अलग प्रजाति के कीट विशेष को पकड़ने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। तो इसमें हम इस प्रकार का लियोर मिलता है, लियोर यानी कि उसकी गंध। तो अगर हम पीले तनाछेदक के लिए लगाते हैं, ये वयस्क को पकड़ने के लिए होता है। तो ये इसके अंदर एक कैप्सूल होता है, स्कर्पोलियोर, इसके अंदर एक कैप्सूल होता है, इसको फाड़ के कैप्सूल को निकालते हैं और उसके अंदर जो ढक्कन है उसके बीचों बीच में लगा देते हैं, और फिर उसको हम खेत में किनारे एक एकड़ में 4 या 5 भी लगा देंगे, तो इसमें सारे कीट जो हैं वयस्क इसमें आकर्षित होकर उस प्लास्टिक की झिल्ली में एकत्रित हो जाते हैं। इससे हमारे कीट की संख्या को कम करने में हमको बहुत मदद मिलती है। और ये कई प्रकार की प्रजातियों के कीट के लिए कारगर है, जैसे चने की इल्ली है तो उसके लिए हेलिलियोर के नाम से पाया जाता है, चने के खेत में इसको लगा सकते हैं। और स्पोडोप्टेरा का स्पोडोलियोर के नाम से पाया जाता है, जो सोयाबीन में और मक्के में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास प्रपंच है, उसको हम लोग वोटा टी ट्रैप कहते हैं। वोटा टी ट्रैप ये होता है 2 प्रकार के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए, एक बैंगन का जो फल तना एवं फल भेदक, और दूसरा टमाटर का जो इल्ली होता है उसके लिए। तो इसको लगाने के लिए ये इस तरह से एक बांस के खूंटे में हम इसको लगा देते हैं, और ये वाला पोर्शन इसका ये निकल जाता है, और ये बैंगनी कलर का बैंगन के लिए जो इसका लियोर मिलता है उसको फाड़ के इस कैप्सूल को इसमें फंसा देते हैं, ये बीज के छेद में। फंसाने के बाद इसको वापस इसमें लगा देते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भर देते हैं, ताकि कीड़ा इसकी तरफ आकर्षित हो, टकराए और पानी में गिर जाए तो उसके पंख भीग जाते हैं और फिर वो वापस उड़ नहीं पाता। इस तरह से नर कीटों को हम संख्या में कमी ला सकते हैं। फिर एक तीसरा वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, वो है ये लो कॉस्ट लाइट ट्रैप। तो ये क्या है, बिना बिजली के कम लागत वाला प्रकाश प्रपंच है, जो 2 प्लास्टिक फनल से सिंपल से बहुत ही कम लागत से बना है, और इसके अंदर एक कैंडल या मोमबत्ती द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। कैंडल की जगह, मोमबत्ती की जगह हम केरोसिन का लैंप भी एक छोटा सा लगा सकते हैं, और 3 घंटे वो जलता है, 7 बजे से 10 बजे तक, और फिर उसको इसके अंदर कीड़े अट्रैक्ट होकर आते हैं, आकर्षित होकर टकराते हैं और वो झिल्ली में एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार एक और है अंतिम, ये अपना फल मक्खी के लिए पीले रंग का ट्रैप है। तो उसका जो लियोर होता है वो ये है, उसको भी फोकस कर लीजिए। फल मक्खी जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे लौकी, करेला, कुंदरू, और इन सब के लिए, और साथ ही में जितने भी फल हैं, आम है, अमरूद है, उनके लिए फल मक्खी द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फलों को। तो उसके नियंत्रण के लिए हम ये इस टाइप का फल मक्खी प्रपंच लगा सकते हैं, पीले रंग का। ये भी आपको कृषि केंद्र वगैरह में मिल जाएगा, और इसका भी एक विशेष गंध वाला लियोर मिलता है, बैकडोर लियोर, और इसको फाड़ के उसके अंदर भी ढक्कन खोलेंगे, सफ़ेद वाले हिस्से के ऊपर में एक छेद है, उसके अंदर कैप्सूल को फंसा देंगे और पीले वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी भर के रखेंगे, तो फल मक्खी नीचे से जो छेद है वहाँ से अट्रैक्ट होकर अंदर घुसती है, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो सकती है, उसको इकट्ठा करके फिर हम उसको मार देते हैं। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण के लिए हम अलग अलग टाइप के प्रपंचों का भी प्रयोग करें, और विभिन्न प्रकार के जितने हमारे जैविक कीट नियंत्रक कारक हैं उनका प्रयोग करें, तो रसायन विहीन और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हम उत्पाद पा सकते हैं। धन्यवाद।